तो चलिए बेटे, आज हम लोग थ्योरिटिकल पोर्शन कवरअप करेंगे कंपनीज का। तो शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से। तो आप लिखें इसके अंदर हेडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब देखिए बेटे, इस चैप्टर के अंदर मैं जो थ्योरेटिकल आपको पोर्शन कवर करने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन से करने जा रहा हूँ, और जो पॉइंट्स हमारे क्वेश्चन से कवर नहीं हो पाएंगे उनके लिए फिर मैं आपको थ्योरी लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले तो आप लिखना चालू करें। आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल एनालिसिस, या मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। व्हाट इज मीन्ट बाय फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब क्या है? आंसर लिखें। फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, इज अ सिस्टमेटिक फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग क्लासिफाइंग द डेटा इंटू सिंपल ग्रुप्स, इंटू सिंपल ग्रुप्स एंड मेकिंग कंपेरिजन ऑफ वेरियस ग्रुप्स एंड मेकिंग कंपेरिजन ऑफ वेरियस ग्रुप्स। With one another, to pinpoint the strong points, strong points. एंड वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस, वीक पॉइंट ऑफ द बिजनेस। इसके आगे लिखें बेटे, टूल्स ऑफ। इस डेफिनेशन को समझने से पहले आप लिखें टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। हेडिंग लिखें टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। और बेसिकली दो टूल हैं, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। कंपैरेटिव में दो बातें बनेंगी, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी होती है और कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी होती है। कॉमन साइज में भी दो बातें होती हैं, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी होती है, कंपैरेटिव कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट भी होती है और कॉमन साइज बैलेंस शीट भी होती है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इस डेफिनेशन को ध्यान से समझें। सबसे पहले हम समझेंगे, देखो फाइनेंशियल एनालिसिस दो वर्ड से बना है, फाइनेंशियल और एनालिसिस, यानी फाइनेंस का एनालाइज करना है। फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या होता है? उसको कंपेयर करना, देखना कि पिछले साल क्या था, अब क्या हुआ, हमने प्रोग्रेस की नहीं की, प्रमोट हुए डिमोट हुए, इस चीज का पूरा विश्लेषण करना, पूरा एनालाइज करने को बोलते हैं अपन।
तो क्या डेफिनेशन बताई गई है, फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है किस चीज का, डेटा को क्लासिफाइंग करने का। फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द डेटा इनटू सिंपल ग्रुप्स एंड मेकिंग कंपैरिजन ऑफ वेरियस ग्रुप्स। यानी आपने क्लासिफाई कर दिया इसको ग्रुप्स के अंदर अपने डेटा को, फाइनेंशियल डेटा को, और ग्रुप्स में क्लासिफाई करने के बाद हमने उसको कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन में हमने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए। तो फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर हम क्या काम करते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डेटा को क्लासिफाई किया जाए ग्रुप्स के अंदर, और उस ग्रुप्स के थ्रू उस फाइनेंशियल डेटा से हम फाइंड आउट करें कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल एनालिसिस के जो टूल्स बताए गए हैं आपको, वो दो बताए गए हैं, एक कंपैरेटिव और एक कॉमन साइज। तो इसमें आप क्या देखोगे कि कंपैरेटिव के अंदर भी दो बातें आ जाएंगी, कंपैरेटिव आपकी इनकम स्टेटमेंट भी बनती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट भी बनती है। तो जिसमें आप क्या करते हैं, एक साल को दूसरे साल से कंपेयर करते हैं। आप आगे जाके सीखेंगे, ये चैप्टर आएगा आपका पूरा। और दूसरा टूल हमारा क्या है, दूसरा टूल हमारा ये है कि कॉमन साइज। कॉमन साइज के अंदर हम कंपेयर नहीं करते हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में आप हर आइटम को, इनकम स्टेटमेंट के हर आइटम को सेल्स से परसेंटेज देखेंगे कि अगर हम सेल्स से कंपेयर करें, सेल्स से देखें तो सेल्स की कितनी परसेंटेज के ऊपर हमारा बाकी के आइटम्स हैं। और बैलेंस शीट के अंदर आप टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज के थ्रू आप परसेंटेज देखते हैं, एज द केस में भी बाद में आएगा। हालांकि अभी आपके लिए इतना समझना ही काफी है, ये टूल्स हैं आपकी फाइनेंशियल एनालिसिस के। अब आगे देखें बच्चों, तो देखिए इसके अंदर आप, अब आप लिखें मेन फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस के मेन फीचर कौन कौन से हैं। तो पहला फीचर है प्रेजेंटेशन, दूसरा फीचर है क्लासिफिकेशन, और तीसरा फीचर है इंटरप्रिटेशन। ठीक है जी, तो पहला आप प्रेजेंटेशन के अंदर लिखें टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा, टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो क्या चीज सीखी बेटे हमने इसके अंदर, देखो बच्चों पहला जो मैंने आपको बताया फीचर है प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपने क्या चीज देखी, कॉम्प्लेक्स डेटा को, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स डेटा है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना भी कॉम्प्लेक्स आपका डेटा है जो समझ से बाहर आ रहा है, उसको सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करना ही फाइनेंशियल एनालिसिस है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं आप, दो सालों का बनाएंगे कंपैरेटिव, पिछले साल से अब के साल में क्या इंक्रीज हुआ क्या डिक्रीज हुआ। तो वो जब कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको बनाना सिखाऊंगा तो उसके अंदर, उस फॉर्मेट के अंदर आप देखेंगे कि हम उसको इजिली कंपेयर कर पाते हैं कि पिछले साल से अब की बार में हम प्रमोट हुए या डिमोट हुए। तो वो एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स डेटा को है इसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में बता दिया कि एक इजी, एक नॉर्मल, एक लेमैन भी उसको इजी फॉर्मेट में समझ ले। अब नंबर दो, क्लासिफिकेशन। किसी भी डेटा को बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, सबसे पहले उसको क्या किया जाए, क्लासिफाई किया जाए, ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाए, जैसे कि हमने देखा अभी ऊपर डेफिनेशन में भी पढ़ा। टू क्लासिफाई द आइटम्स
कंटेंड टू क्लासिफाई द आइटम्स कंटेंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कन्वीनियंट एंड रैशनल ग्रुप्स. कन्वीनियंट एंड रैशनल ग्रुप्स. दूसरी बात हमने क्या चीज सीखी कि डेटा को क्या करना है, क्लासिफाई करना है. जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा दे रखा है किस फॉर्म में, कन्वीनियंट एंड रैशनल ग्रुप्स फॉर्म में आप उसको क्लासिफाई करके रखें, जिससे उसका प्रेजेंटेशन करना भी इजी हो जाए. और लास्ट एंड द फाइनल इसके अंदर क्या चीज है, इंटरप्रिटेशन करना डेटा को. इंटरप्रिटेशन मतलब उसको जज करना कि जैसे कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर आइटम है वो बढ़ा है अमाउंट की घटा है, बढ़ा है तो कितने परसेंटेज से बढ़ा है, घटा है तो कितने परसेंटेज से घटे हैं हम. तो वो पर्टिकुलर जैसे एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए, अगर मैं जो है बैलेंस शीट कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना रहा हूँ या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ, तो उसमें जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं अपन, जिसे अपन सेल्स कहते हैं, तो पिछले साल हमारी सेल्स कितनी थी और इस साल हमारी सेल्स कितनी आई, तो पिछले साल की सेल्स से इस साल की सेल्स के अंदर हमको कंपेयर करना कि हम पिछले साल हमारी सेल्स इतनी थी अब इतनी हुई, तो हमने इंक्रीज किया सेल्स को हमने या डिक्रीज किया तो कितने से किया, तो उसका पूरा इंटरप्रिटेशन करना. तो लिखे थर्ड इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन टू मेक कंपैरिजन बिटवीन, टू मेक कंपैरिजन बिटवीन वेरियस ग्रुप्स. जैसा कि मैंने आपको बताया क्लासीफाई तो वेरियस ग्रुप में करते ही हैं, और क्लासीफाई करने के बाद उन्हीं वेरियस ग्रुप्स को अपन को क्या करना है, उसको कंपेयर करना है. वेरियस ग्रुप्स टू ड्रॉ वेरियस कंक्लूजन, टू ड्रॉ वेरियस कंक्लूजन. ठीक है जी, तो ये थे इसके फीचर्स. तो चलिए बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के मीनिंग फीचर पढ़ने के बाद, उसके टूल्स पढ़ के बारे में बात पढ़ने के बाद, अब आप लिखें इसके अंदर टाइप्स और मेथड्स ऑफ, टाइप्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, टाइप्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस. तो लिखें फाइनेंशियल एनालिसिस फाइनेंशियल एनालिसिस हैज टू बेसिक अप्रोचेस, बेसिक अप्रोचेस. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और सेकेंड लिखें आप वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस. ठीक है जी, पहला हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. अब आप देखिए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बारे में लिखें, तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या बात बोलता है, इसके कुछ पॉइंट्स में बातें लिखें आप. इन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स आर रिव्यूड एंड एनालिसिस, फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स
पहला पॉइंट है ये, फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स आर रिव्यूड रिव्यूड एंड एनालिसिस। तो देखिए बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपका क्वेश्चन इस पॉइंट पर भी बन सकता है। जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है वहां पर आप नंबर ऑफ ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो नंबर ऑफ ईयर्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको रिव्यू और एनालाइज करते हैं आप, ठीक है। कई सारे, यानी एक ईयर के नहीं, कई सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपस में कंपेयर करते हैं और उनको रिव्यू करते हैं। कंपैरिजन, याद रखना हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमेशा कंपैरिजन से लिंकअप होता है। नंबर दो पॉइंट लिखें, फिगर्स ऑफ टू और मोर ईयर्स फिगर्स ऑफ टू और मोर ईयर्स आर कंटेन्ड इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस ठीक है, एंड दीज फिगर आर प्लेस्ड साइड बाई साइड एंड दीज फिगर्स आर प्लेस्ड साइड बाई साइड फॉर कंपेरिजन। अब कुछ बच्चे तो चक्कर खा के गिर रहे होंगे, सर ऐसी कुछ बातें तो आपने पढ़ाई नहीं, जो आप थ्योरी के अंदर ये सब बातें बता रहे हो। तो देखो बच्चों, ये जो चैप्टर है फाइनेंशियल एनालिसिस, इसके अंदर कंपनी जो आप इशू फॉर फ्यूचर पढ़कर आए हैं या जो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़कर आए हैं उससे लेना देना कम है, और कंपैरेटिव और कॉमन साइज जो आने वाले चैप्टर्स हैं उनके अंदर उससे इसका लेना देना ज़्यादा है। और कंपैरेटिव और कॉमन साइज आपके नेक्स्ट टर्म के अंदर आएंगे, इसीलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अटपटा सा कि सर आज तक तो ऐसी चीज़ें पढ़ी नहीं। स्टिल मैं कोशिश करता हुआ चलूंगा कि आपको मेरी सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो मैं आपको बता दूं, जब आप कंपैरेटिव या कॉमन साइज बनाएंगे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ ऐसे होगा जिसके अंदर अमाउंट के आपके दो कॉलम होंगे बैलेंस शीट के अंदर, एक कॉलम होगा आपका प्रीवियस ईयर का और एक कॉलम होगा करंट ईयर का। तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के कॉलम को आपको आपस में क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर आपको क्या बात बताई गई है कि फिगर्स ऑफ टू और मोर ईयर्स आर कंटेन्ड, दो या दो से ज़्यादा सालों के ईयर्स के आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होंगी इन सच टाइप ऑफ एनालिसिस एंड दीज फिगर आर प्लेस्ड साइड बाई साइड। आप देख पा रहे हैं साइड बाई साइड है फॉर कंपेरिजन। मैं बार बार कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपका हमेशा कंपेरिजन पे फोकस करता है, ठीक है जी। आगे देखें, इसमें लिखे हैं बाप पॉइंट नंबर थ्री, इन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, इन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स cost of production, profits, etc. are compared for two or more years of a firm. They indicate the area of
स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एरिया ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो क्या चीज कहना चाहते हैं बच्चों इसमें? तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बात बताई कि हम कंपैरिजन करते हैं, तो जैसा कि आप सेल्स का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, प्रॉफिट का, जब इनकम स्टेटमेंट के हम दोनों फिगर्स को लिखेंगे, प्रीवियस ईयर के भी, करंट ईयर के भी, तो जब आप दो दो डेटा के बीच में कंपेयर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्या इंडिकेट करेगा? फर्म की स्ट्रेंथ और वीकनेस को इंडिकेट करेगा। लास्ट एंड द फाइनल इसका हॉरिजॉन्टल का फोर्थ पॉइंट लिखें, हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द डेटा from year to year rather than only one year. ठीक है, it is also called dynamic analysis। तो इसको हम डायनामिक एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने बात पढ़ी, ये ईयर टू ईयर को कंपेयर करते हैं ना कि वन ईयर पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक एनालिसिस भी बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को। तो उम्मीद है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बच्चों, अब हमारे पास बारी आती है वर्टिकल एनालिसिस की। तब आप हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बाद अब आप हेडिंग डालें वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है जी, अब आप हेडिंग डालें वर्टिकल एनालिसिस। इसमें आप पॉइंट टू पॉइंट लिखकर चले जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखें, वर्टिकल एनालिसिस financial statement for a single year, financial statement for single year, यानी basically यहाँ पर common size होता है, कंपैरेटिव नहीं होता, कंपैरिजन नहीं होता। ठीक है, तो ये कॉमन साइज होता है जिसके अंदर मैंने आपको बताया सेल्स से कंपेयर करना उसी पर्टिकुलर ईयर में। दो ईयर को हम कंपेयर नहीं करते हैं, उसी पर्टिकुलर ईयर की सेल्स से हर चीज़ को कंपेयर करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, और बैलेंस शीट में आप टोटल एसेट से करते हो। सिंगल ईयर और पर्टिकुलर डेट और ऑन अ पर्टिकुलर डेट और ऑन अ पर्टिकुलर डेट आर रिव्यूड एंड एनालिसिस। आगे लिखें सेकंड पॉइंट, It involves a study of quantitative relationship। तो अब आपसे पूछा जा सकता है quantitative relationship की study कहाँ होती है, तो अब आप बताएंगे vertical analysis में quantitative relationship। It involves a study of quantitative relationship among various items
ऑफ बैलेंस शीट, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ वेरियस आइटम ऑफ बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट ऑफ सिंगल पीरियड, ऑफ सिंगल पीरियड। तो अब आपको ध्यान रखना है इस बात का, क्या चीज लाल कलर से निशान लगाएं, सिंगल पीरियड की स्टडी होती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप स्टडी करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। अब आती है बात यहां पर इसमें देखें, थर्ड पॉइंट में स्टेटमेंट कंटेनिंग, स्टेटमेंट कंटेनिंग वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस आर टर्म्ड एज कॉमन साइज स्टेटमेंट, और उसको क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, द कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया, उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर ही आप हर आइटम को सेल्स से कंपेयर करके हम देखते हैं कि सेल्स से इसकी कितनी परसेंटेज है। द कॉमन साइज स्टेटमेंट, द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शोज ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, ठीक है। सिमिलरली, यानी आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो आप हर चीज को किससे कंपेयर करोगे, सेल्स से परसेंटेज निकालोगे, और इसी तरीके से अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, सिमिलरली इन कॉमन साइज बैलेंस शीट, सिमिलरली इन कॉमन साइज बैलेंस शीट वेरियस एसेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वेरियस एसेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। तो क्या देखा आपने कि इनकम स्टेटमेंट में तो हमने परसेंटेज ऑफ सेल्स से देखा, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर हम परसेंटेज किससे निकालते हैं, टोटल एसेट से निकालते हैं। हर आइटम की परसेंटेज टोटल एसेट से निकालेंगे आप, ठीक है। आगे लिखें फिफ्थ नंबर का पॉइंट, इस पर भी मल्टीपल चॉइस आ सकता है आपका। वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस is based on the data of single year, based on data of single year, ठीक है। It is also called, it is also called static एनालिसिस। अब देखिए इस पर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया तो आ सकता है इसको, उसको हम डायनामिक एनालिसिस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक एनालिसिस, ठीक है जी। अब लास्ट एंड द फाइनल लिखें इसमें, सिक्स्थ नंबर का पॉइंट,
लिखें वर्टिकल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर अ प्रॉपर एनालिसिस, फॉर अ प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है, ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन, ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन, यानी कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन के लिए वर्टिकल एनालिसिस अच्छा नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता? क्योंकि बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डेटा ऑफ सिंगल पीरियड, ऑन द डेटा ऑफ सिंगल पीरियड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सिंगल पीरियड डेटा के ऊपर डिपेंड होता है, तो इसीलिए ये अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू वर्टिकल एनालिसिस, इन कंपैरिजन टू वर्टिकल एनालिसिस द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज मोर यूजफुल ठीक है। तो उम्मीद है वर्टिकल एनालिसिस की ये बातें भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो बने रहें मेरे वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।